नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जयपुर के रिद्धि सिद्धि पे हूँ और यहाँ से ये वीडियो शुरू करेंगे और आगे गोपालपुरा बाईपास तक जाने वाले हैं। ये रिद्धि सिद्धि चौराया, आगे जो वसुंधरा ने कब्जा हटा के बड़ा रोड किया, ये वही रोड है, गोपालपुरा बाईपास रोड, जिस पे हम गोपालपुरा बाईपास तक जाएंगे, गोपालपुरा मोड़ तक जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये भाई के साथ हम बैठ गए हैं, शिबू भाई के साथ, इस बैटरी वाली गाड़ी में। आज हमें गाड़ियाँ सब नई नई मिल रही हैं, पीछे में आया था वो भी नई थी और ये भी नई है। गुजर की थड़ी से आया था पीछे में, अभी तो मैंने यहाँ से शुरू किया। और ये अभी हम महेश नगर क्रॉस कर रहे हैं, ये महेश नगर है इधर, और ये लंबा चौड़ा रोड यहाँ का जो वसुंधरा ने खाली कराया था, ये पूरा यहाँ तक लोगों ने कब्जा कर रखा था, जहाँ हम चल रहे हैं या एक या दो ट्रैक उधर छोड़ रखा था, बाकी पूरा कब्जा था, तो ये सब वसुंधरा ने खाली करा दिया था। उसके बाद ये लंबा चौड़ा रोड आपके सामने, इस रोड पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत सारे कोचिंग यहाँ हैं, जो बच्चे कोचिंग करते हैं वो बहुत सारे हैं, और ये बच्चे आपको बहुत सारे यहाँ पर दिख जाते हैं। शिबू भाई आप कैसे हो? अच्छे हो? कितना घंटा चला लेते हो गाड़ी है? ये जब तक बैटरी चलती है जब तक चलाता हूँ। अच्छा, एक ही बार चार्ज नहीं करते उसको? एक ही चार्जिंग में मिलती है ना, चार्ज किराए की। अच्छा, किराए की है तो एक चार्जिंग में मिलेगी, तो इसका कितना किराया देते हो एक चार्जिंग का? 400 रुपये। 400 रुपये में गाड़ी मालिक पूरे दिन का, पूरा दिन भर जब तक बैटरी चलेगी चला करो। बैटरी दोबारा चार्ज करके नहीं चला सकते? नहीं, दोबारा नहीं। अच्छा, तो कितना घंटा चल जाती है, कितना पैसा कमा लेते हो? 80 किलोमीटर। तो ये आपका जो है यहाँ रिद्धि सिद्धि से गोपालपुरा बाईपास कितना किलोमीटर है? अब ये तो कभी नहीं देखा। 10 किलोमीटर होगा, ये कम है? 5 है? 3 या 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर हो जाएगा आना जाना। और यहाँ आप इसी में 10 चक्कर लगा दोगे तो 80 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, आने जाने का 10 किलोमीटर, 10 बार आना 10 बार जाना, तो तकरीबन आपका 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो उसमें आपका दिहाड़ी हो जाता है फिर? कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। अच्छा, कभी नहीं भी होता है, क्यों? अब जैसे हम मान लो आपको सिंगल लिया है, कोई सवारी नहीं मिली। हाँ हाँ, चलना तो उतना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है, तो आपको सवारियों के लिए रोकना चाहिए ना जगह जगह, पूछना चाहिए कोई जाएगा क्या। देखा तो था लेकिन ध्यान नहीं दिया कोई। नहीं है? हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा है कि कभी खाली भी जाना पड़ता है एक दो सवारी लेके, और कभी फुल भी हो जाता होगा। हाँ, यही बिजनेस है। नहीं, यही बिजनेस है बाबू जी, काम धंधा नहीं है। अच्छा, काम धंधा कम है? अब जो मिल जाए इसमें वही बहुत है, जो मिल जाए वही बहुत है। हाँ, क्या करेंगे, ये भाई बोल रहे हैं जो मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि काम धंधा नहीं है तो जितना हो जाए, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लगता। अब ये जो 2 को बिठाएंगे तो भी, और 5 को बिठाएंगे तो भी, इनको तो एक बार किराया तो देना ही है। और इस ब्रिज के नीचे रेल लाइन है, और नीचे इधर अशोक विहार और महेश नगर है। शिबू कहाँ से हो आप भाई? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो तो यहाँ काम करने के आए हो? यहाँ रहता हूँ हरीश नगर। आदर्श नगर पर रहते हो? कब से हो यहाँ पर? करीब 7-8 साल, पहले सब्जी बेचता था। 7-8 साल से है?
अच्छा पहले सब्जी बेचते थे? पहले सब्जी बेचता था, आधार सब्जी का काम अभी कम है क्या? ये शिबू भाई बता रहे हैं पहले सब्जी का काम था, वो थोड़ा कम हो गया तभी ये 7-8 महीने से रिक्शा चला रहे हैं। तो रिक्शा अच्छा है कि सब्जी का काम अच्छा था? इसमें रोज के है, सब्जी में आज लगा कल छुट्टी हो जाती थी, मंडी में माल नहीं मिला, महंगा हो गया। हाँ अब इसमें क्या है, रोज के चाहे 300 बचे लेकिन बचेंगे। हाँ 300 ही बचे चाहे बचेंगे, रोज का है, रोज का है ये, और नकदी का काम है, चलाते रहो और रोज का पैसा आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। सब्जी में ये है कि कभी मंडी बंद हो गया, सब्जी नहीं मिला तो आपका छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी रखना पड़ेगा। खर्चा वही होता है, खर्चा वही होता है। हाँ ये बात तो सही है आपकी, तो उस हिसाब से आपको इसमें ठीक लगता है? ये ठीक है। और सब्जी का तो उसको खींचना भी पड़ता था? हाँ उसमें ठेला लगाओ, पैदल चलो, और मेहनत भी बहुत, मेहनत ज़्यादा थी, ठेला लगाओ उसको पैदल चलाओ, और इसमें ठेला फाड़ो, चिल्लाना पड़ता, चिल्लाना भी पड़ता, आवाज लगाना पड़ता है सब्जी का। हाँ और इसमें तो ऐसा नहीं है, ये तो बैठे बैठे चलाना है बस। हाँ नहीं ये तो सही है आपका, इधर छोड़ देना, इधर छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपको जिधर निकलना उधर छोड़ देना, कोई बात नहीं, उधर निकलना, हाँ तो उधर चलो, उधर छोड़ देना, क्या इधर दबा लो, उधर जाने नहीं देंगे आपको, इधर दबा लो इनके आगे, इनके नज़दीक नज़दीक करके, ये ठीक रहेगा आपका, क्योंकि उधर से आप आओगे ट्रैफिक खुलेगा तो फिर हादसा होने का खतरा रहता है, जाने नहीं देगा। हाँ और ये अभी हम गोपालपुरा बाईपास का ये ब्रिज आ गया, ये टोंक रोड है ऊपर, और सीधा निकलेंगे तो आगे जेएलएन मार्ग आ जाएगा, और इधर को सिटी है, सिटी को जाता है ये ब्रिज, और इधर से ये दुर्गापुरा, और आगे फिर टोंक रोड, ये ऊपर वाला टोंक रोड, ये ब्रिज वाला टोंक रोड है, और ये नीचे का सिग्नल है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।